करें दोस्तों, आप सबको मेरा फ्रॉम जैसलमेर। सो अभी मॉर्निंग 8 o'clock हो रही है और आप देख सकते हो हवा बहुत तेज चल रही है एंड सूर्य देवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। प्लान तो था मॉर्निंग का जीप सफारी जाने का, बट वेदर को देखते हुए बहुत 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 विंडी वेदर है, तो आई प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं और आगे का प्लान बताते हैं। आज हम लोग बहुत और सारे एरियाज कवर करने वाले हैं ऑफ जैसलमेर। तो नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एंड आगे का प्लान बताते हैं। सो दोस्तों, अब मैं चेकआउट कर रही हूँ सिफ्तारा डेजर्ट कैंप से। एंड यहाँ का ओवरऑल स्टे जो था वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही कंफर्ट फील रहा। सो जो नाइट हमने स्पेंड की थी यहाँ पे, द फोक म्यूजिक, द फूड, द कंफर्टेबल टेंट, सभी बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल रेटिंग पे ये 5.15 जाएगा ऑन ऑल द 3 पैरामीटर्स। दिस इज द सिफ्तारा डेजर्ट कैंप। द स्टाफ इज वेरी कंफर्टेबल, उन्होंने बहुत आपको अच्छे से कंफर्टेबल फील कराएंगे स्टाफ, एंड दे टेक केयर ऑफ यू अलॉट। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एट दिस डेजर्ट कैंप। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, वेदर बहुत ही विंडी हो गया है एंड मुझे जिप सफारी का प्लान जो है वो ड्रॉप करना पड़ा। बट अब हम निकल सके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है इंडो पाक बॉर्डर लोंगेवाल पोस्ट। वो यहाँ से 120 किलोमीटर्स दूर पे है एंड भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ने रोड्स जो है वो बहुत ही अच्छे से बना दी। एकदम मक्खन जैसा रोड है, गाड़ी चलती हुई अमेजिंग फील होती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अराउंड 1-1.5 आवर में वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो वहाँ पहुँचते हैं, आपको थोड़ा रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं एंड फिर लोंगेवाल पोस्ट की डिटेल्स देते हैं। दोस्तों, तो अभी मैं हूँ जैसलमेर के रामगढ़ गांव में। ये हमारे वेस्टर्न साइड का, वेस्टर्न इंडिया का आखिरी गांव है, जैसलमेर का आखिरी गांव है। तो आप जब भी जैसलमेर आए, यहाँ पे यहाँ से आप लोंगेवाल होते हुए जाएंगे, तो यहाँ रुक के चाय नाश्ते पानी सब कर लीजिए, गाड़ी को चेक चाक करवा लीजिए, ताकि यहाँ से डायरेक्ट अब हम जाने वाले लोंगेवाल एंड फुल बॉर्डर ही आने वाला है, विच इज अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। एंड इससे आगे आपको कोई भी और ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे आप अपनी व्हीकल्स वगैरह चेक करवा सकते हैं। सो मेक यूज ऑफ दिस प्लेस एंड गेट एवरीथिंग डन बिफोर यू हिट द बॉर्डर एरिया। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुकी हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लोंगेवाला पोस्ट। ये वो प्लेस है जहां पे पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट और इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट लेड बाय मेजर कुलदीप सिंह विथ 120 मेन यहाँ पे उनकी फाइट हुई थी। ये वो जगह है जहां पाकिस्तानियों ने प्लान किया था कि वो सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, लंच जोधपुर में और डिनर दिल्ली में। बट उनका ये प्लान ही रह गया, ऑल बिकॉज ऑफ मेजर कुलदीप सिंह। उन्होंने अकेले विथ हिज ब्रेव 120 सोल्जर्स पूरे पाकिस्तान टैंक रेजिमेंट को रोक के रखा यहाँ पे रात भर। ये वही पोस्ट है लोंगेवाल पोस्ट, जो बॉर्डर मूवी में पूरी क्लियरली डिपिक्ट किया गया है। आप जब यहाँ पर आएंगे, आपको ये एरिया दिखेगा, ये है म्यूजियम, जहाँ पे आपको मिनिएचर्स मिलेंगे,
बहुत सारे वेपन्स डिस्प्ले किए जाएंगे, तो आप यहाँ पर आए और ये सब देखें। थोड़ा आगे चलने से आपको ये एरिया पे मूवी भी शो की मूवी दिखाई जाएगी, जो कि अराउंड 15 मिनट्स का रहेगा, जिसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। टिकट भी यहीं पे हमें मिलेगा और पर पर्सन टिकट की कॉस्ट होती है 25। अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड द सोल रीजन, वन ऑफ द सोल रीजन कि हमने लोंगेवाल पोस्ट कैसे बचा के रखा। ये जो आप जीप देख रहे हो, ये एक्चुअल में मथुरा दास जी की, सिपाही मथुरा दास, बॉर्डर मूवी में जो आप देखते हो कैरेक्टर मथुरा दास, वो एक्चुअल में भी उनका नाम है। ये उनकी जीप है, ये वही जीप है जिससे वो घूम घूम कर पाकिस्तानी टैंक को पे हमला करते थे। ये जो जीप है, इस पे आप जो तोप देख रहे हो, ये कस्टमाइज किया गया है। ये एक बेसिक जीप है जिसपे तोप कस्टमाइज करके मथुरा दास पाकिस्तानी टैंक्स पे हमला करते थे। कैन यू इमेजिन अ जीप विथ कस्टमाइज तोप टैंक्स पे हमला कर रही है, एंड एक टैंक पे नहीं, पूरे पाकिस्तानी टैंक्स पे हमला करती थी घूम घूम कर। अब दिखाती हूँ मैं आपको वो टैंक, द बिग जायंट टैंक। ये वो पाकिस्तानी टैंक है जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा गया है, और मथुरा दास जी की जीप इन्हीं टैंक्स पे हमला करती थी। एंड द ब्रेव 120 सोल्जर्स ने रात भर ये पोस्ट बचा के रखा एंड हमारे देश को पाकिस्तानियों से बचाया 1971 का वॉर। तो आप ये देखिए, ये पाकिस्तानी टैंक है जिसपे मथुरा दास जी की जीप हमला करती थी। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। फ्रेंड्स, दिस इज द वॉर म्यूजियम विच इज देयर एट द लोंगेवाल पोस्ट। यू कैन कम हियर एंड रीड अबाउट एवरीथिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द 1971 वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एंड यू कैन फील प्राउड ऑफ आर ब्रेव सोल्जर्स। जस्ट 120 सोल्जर्स डिफीटेड द एंटायर पाकिस्तान टैंक रेजिमेंट, विच वॉज अमेजिंग। And the movie that they show here of 15 minutes is really worth watching. I recommend you all to go and must watch that. It will give you a sense of pride and make you understand how the 120 brave soldiers saved this post of Longewala for the entire night until the Air Force can pitch in early in the morning and destroy the Pak Army. दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तनोत माता टेम्पल, जो कि कहा जाता है कि 1965 वॉर एंड एज वेल एज इन 1971 वॉर में यहाँ पे जितने भी बॉम्ब्स गिरे वो एक भी एक्सप्लोड नहीं हुए, एंड बीएसएफ के जवान खुद इस टेम्पल की देखरेख करते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं। तो आइए चलते हैं तनोत माता टेम्पल। फ्रेंड्स, तनोट माता टेम्पल इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोंगेवाला पोस्ट। जब आप ये टेम्पल एंटर करेंगे तब आप ये एक विजय स्तंभ देखेंगे एंटर करते साथ ही, जो कि बनाया गया है 1971 वॉर के बाद इन द मेमोरी ऑफ आर ब्रेव सोल्जर्स। दोस्तों, 1965 के वॉर में कहा जाता है अराउंड 3000 बॉम्ब्स पाकिस्तानी ने 3000 बॉम्ब्स यहाँ पे फायर किए थे, विच आइदर मिस्ड द टारगेट्स और रिमेन अनएक्सप्लोडेड। उसके बाद से बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया ने तनोट माता टेम्पल की देखरेख एंड जिम्मेदारी ले ली, एंड उसके बाद से यही यहाँ पे पूजा करते हैं। इवन इन 1971 वॉर आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा वेर सुनील शेट्टी सेज कि यहाँ पे रेगुलर पूजा होती रहनी चाहिए। सो इवन इन 1971 वॉर दी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट कुड नॉट इवन टच दी टेम्पल और इट्स नियर बाय एरिया, एंड यहाँ पे जितने भी बॉम्ब्स गिरे थे वो अनएक्सप्लोडेड रहते हैं। टेम्पल के अंदर पे वो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी रखे गए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन बाकी मंदिर को छू नहीं सके। रतन सिंह साहब जी, जीत हमारी जरूर होगी क्योंकि माँ हमारे साथ है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो कि आज भी माता के टेम्पल पे रखा गया है फॉर ऑल ऑफ अस टू कम एंड सी, एंड ये था
माता का चमत्कार जो कि BSF एंड इंडियन आर्मी ने देखा एंड महसूस किया। दोस्तों, टेंपल से बॉर्डर इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स एंड वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अपनी कोई भी आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी। एंड रिकमेंडेड यह है कि आप सबसे पहले तनोट माता टेंपल विज़िट करिए, ताकि यहाँ से आप डायरेक्टली टिकट ले लो बॉर्डर की, बॉर्डर विज़िट कर लो एंड देन वहाँ से फिर आप लोंगेवाला पोस्ट जाओ। इस तरह से आपका फुल डे कवर हो जाएगा एंड आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरी बहुत अच्छा से दर्शन हो गई है माता जी के। अब आगे का प्लान ऐसा है, अच्छा प्लान बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप यहाँ दर्शन करने आओ आपका नेटवर्क्स तो आएंगे नहीं, सो आप कार का नंबर वगैरह सब हैंडी रखिएगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके अलावा यहाँ खाने पीने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आई थिंक मैगी यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध चल रहा है अभी, तो ज्यादातर लोग मैगी ही खा रहे हैं, बट खाने पीने का अच्छा खासा है यहाँ पे, तो कोई इश्यू नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ है, बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह मतलब बनाए हुए हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। सो आगे का प्लान ऐसा है कि अब मैं डायरेक्ट यहाँ से वापस से रामगढ़ गांव तरफ जाऊंगी, वहाँ पे थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे मैं लंच करूंगी एंड उसके बाद फिर जैसलमेर सिटी। तो यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स पड़ेगा रामगढ़ गाँव एंड वहां से अराउंड 50-60 किलोमीटर फिर सिटी। वहां जाके मेरी होटल प्री बुक्ड है, सो वहां चलते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द होटल एंड द एम्बियंस एंड एवरीथिंग। तो वहां पहुंच के फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, ऑन द वे बैक टू जैसलमेर सिटी आपको बहुत अच्छी अच्छी व्यू मिलेगी, जहाँ पे बड़े बड़े रेट के टीले आपको दिखेंगे, जहाँ पे आप रुकिए एंड बहुत सारी फोटोज क्लिक करिए, मेमोरीज बनाइए एंड बहुत ही बढ़िया आपका लगेगा। दिस इज़ लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस इन लाइफ, मज़ा आ गया, आई एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चाहिए एंड लाइक बटन को क्लिक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज नेक्स्ट डे अब मैं जैसलमेर सिटी टूर करने वाली हूँ, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट डे and let's meet tomorrow.